बस की हाल है ताडा अमीन दे तुसी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खरीयत नाल होगे। अल्लाह ताला तुहानू पंज पाद दे सदके हमेशा खुश ते आबाद ते हसदा ते मुस्कुरांदा रखे। सब भैन भाइयों नू ईद मुबारक। ते अज ईद दा दिन पहला वे ते सुबह सुबह सब तो पहले की हुंदा वे रसम एक सेवियां दी ते अज आपां बनावांगे कस्टर्ड सेवियां। तो चलो रैसपी नू स्टार्ट करने आ। अगर तुहानू पसंद आए तो लाइक ते सबसक्राइब जरूर कर दिओ। चलो रैसपी नू स्टार्ट करने आ। सब तो पहले ये वे पूरे महीने रोज़े माशाल्लाह बहुत ही अच्छे गुजरे ने, बहुत ही नाइस गुजरे ने। सब नू रोज़ों की भी बहुत बहुत मुबारक ते ईद भी मुबारक। ते ये वे इंतज़ार हुंदा वे ईद का, क्योंकि रोज़े रखे होंगे ने। जिन्हां ने रोज़े रखे होंगे ने उन्होंने तो इंतज़ार हुंदा वे, ते जिन्हां नू नहीं रखे होंगे उन्होंने परवाह नहीं होंगी कि ईद कदों आ गई है। वो कहते हैं हैं इन्नी छेती रोज़े गुजर भी गए ने। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रोज़े गुजरे ने। ए वाली मेरी जिंदगी दे पहले रोज़े ने जिहड़े कि बहुत ही नाइस गुजरे ने। भैन भरावां नाल शेयर भी करदी रही, मैं रैसपियां भी शेयर करदी रही। तो हुण ईद दी रैसपी सी, मैं कहा सुबह सुबह सब तो ज़्यादा टेंशन हुंदी है। पहले रिवाज़ हुंदा सी सेवियां सारिआं घरां विच बनाउणियां, ते सेवियां ना भी सुबह 6 बजे नमाज़ पढ़न तो बाद ना पहले घरां विच सेवियां देणियां ने, उस तो बाद फिर तैयार शैर हो के ते ईद नमाज़ पढ़न जाणा। तो हुण वैसे शहरां विच ते ना शहरां विच रिवाज़ रह गया ना पिंडां विच रह गया। तो मैं वैसे इस रसम नूं हमेशा ही रखनी, शायद हुण भी होवे, लेकिन ये कि हुण ज़्यादातर लोग ना घरां विच ही यानी कि बनाते हैं, तो घरां विच ही खा पी जाते हैं, तो भैन भरावां दा अहसास नहीं करते वे कि अपने भैन भरावां नाल भी अहसास करना चाहिए वे, अपने हमसायां दा, अपने रिश्तेदारां दा खासकर ख्याल रखना चाहिए वे। तो एक प्यार हुंदा वे, एक यादगिरी हुंदी है कि फलाने के घरों सानू यह चीज़ आई सी, तो फलाने के घरों यह वालियाँ कस्टर्ड सेवियां बहुत मज़ेदार सी, तो अज मैं वह वालियाँ सेवियां बनाने लगी हाँ। तो तुम भी इंशाल्लाह यही बनायो तो यादगिरी याद करो। सब तो पहले अपन 2 चम्मच आयल दे पावांगे। चलो जी, नाल आप सेवियां पा देने, थोड़ियां जी रोस्ट कर लिया, हल्कियां जी यानी कि ब्राउन करांगे। 2 अपनियां इलायचियां ने ये पा देंगे। 1 चम्मच काजू है, 1 चम्मच ही पिस्ता वे, एक यानी कि 2 चम्मच जिहड़े बादाम ने कट्टे हुए ने, ते थोड़ी जी है अपना गरी कश कीती मल्टी कलर की, ये आप पा देंगे। इस तरह नाल इस तरह भुजेंगे ना, तो इन्हों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत प्यारी आती है। यह साबत ही रहन दे, ज़्यादा बरीक नहीं सेवियां करनिया ने, पहले बरीक ने। तो चलो हुण आपां दुध पा देने। 1 किलो अपना दूध सी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये इन्ना कप दुध बचा लें, ये आप कस्टर्ड मिक्स करके ना वो विच पावांगे। 2 मिनट वास्ते उपर ढक देंगे। चलो जी, 2 मिनट हो गए ने, हुण आपां चीनी मिक्स कर दें। 1 कप अपनी चीनी है, 1 किलो दूध विच। अगर तुसीं ज़्यादा पाना चाहते हो ज़्यादा पा सकते हो, कम करना चाहते हो कम कर सकते हो, अच्छी तरह मिक्स कर लाँगे। चलो हुण आपां इस दूध विच ना यह स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मिक्स कर देंगे। 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड अच्छी तरह मिक्स कर लाँगे। इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। चलो जी, कस्टर्ड आपां मिक्स कर दें, इस तरह नाल ही हल कर दें। 2 मिनट विच तैयार है। इस तो बाद आपां डिश आउट करने, बाकी चीज़ मैं थानू बाद दसनी है जिहड़ी चीज़ ना डिश आउट करना है। चलो जी, कस्टर्ड सेवियां अपनियां तैयार ने, हुण आपां चुल्हा बंद कर दें। यह ठंडे करन वास्ते आपां डिश आउट करने आ। जिहड़ी ये असल चीज़ है वह मैं थानू दसनी आ, वह तुसीं जरूर देख के जानी है। चलो जी, कस्टर्ड सेवियां मैं ए बोल च पा दित्तियां ठंडी होने वास्ते, ते हुण मैं जैली तैयार करनी आ। बहुत ही ईजी है ते बहुत ही सस्ती है। 1 प्याली अपनी कॉर्नफ्लावर है, 1 गिलास अपना पानी है। ये आप इस तरह ठंडे पानी च पहले मिक्स कर लेना है। नीचे मैं अग जला दी है, ये आप जैली बनानी है, तुम नाल नाल ही रहो, तुम बहुत पसंद आएगी। 2 चम्मच ना ये चीनी पा देंगे आप। चलो चूल्हा आप बंद कर दें। आप 3 प्यालियाँ च ना पा देंगे आप। हम ना यह 3 कलर ने मनतंजन कलर, ये आप 3 कौलियाँ च ना कलर मुख्तलिफ पा देंगे। इस तरह अच्छी तरह हल करके ठंडा करके फिर मैं थानू बकाया दसदी हाँ। इस तरह अच्छी तरह कलर मिक्स कर लेंगे। चलो जी, आह वाली जैली तैयार होगी, बहुत सस्ती है, तो 10-15 मिनट वास्ते आप फ्रिज रखने, उस तो बाद मैं थोड़ा डिश आउट करके दिखाने। चलो जैली अपनी तैयार होगी, इस तरह आप हम ढक लगा लेंगे। ऐसे देख सकते हो आप गिलासा च पावे, तुफ मलंगा 1 चम्मच पा देंगे, आप सेवियाँ कस्टर्ड पा देंगे, यह वाली जैली, फिर इस तरह सेवियाँ पा देंगे, कुछ बादाम किशमिश। चलो जी, सेवियाँ कस्टर्ड हो गया तैयार। अगर तुम पसंद आए तो लाइक जरूर करो।